हमने इनके कहने पर 50 लोगों के खाने का ऑर्डर तैयार किया और अभी लेने को मना कर रहे। क्या होगा पता नहीं। होगा क्या, ले जाओ अपना काम, जाओ आप पैदो बाहर सड़क पे। एक मिनट, ये खाना मिल में जाएगा। मिसेस सेन गुप्ता ने मुझे अपने घर कार्ड पार्टी के लिए इनवाइट किया। चलो अच्छा है, तुम यहाँ पे मिसेस सेन गुप्ता से अपनी दोस्ती बढ़ाओ, पर वहां मैं क्रिश्ता को हैंडल करता हूँ। एक बार मैं उनका भरोसा जीत लूं फिर देखना, वो सब कुछ मुझ पे छोड़ देंगे। बॉडी, आपको अपनी माँ से मिलकर अच्छा लगा होगा। नहीं इसमें क्या है? ये लड्डू है, माँ ने भेजे है धन्यवाद के तौर पर। अरे वाह, तो ये तो स्पेशली गिरीश दादा के लिए होंगे। नहीं उन्हें खिलाना चाहिए। ये लीजिए दादा, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए पिशिमा, आप भी मुंह मीठा कीजिए। ले दादा तुम भी। अरे लड्डू बहुत अच्छा है, किसने बनाया? दादा ये आपके ससुराल से आए हैं, खास आशिमा बॉडी की माँ ने आपके लिए भेजे हैं। सो स्वीट ना। बाकी गिरीश तूने बहुत अच्छा काम किया, जो अपना काम ना बाहर वालों को ना देकर घर में ही बांट दिया। सचमुच आशिमा की मासी के हाथ में ना बहुत स्वाद है, अन्नपूर्णा है वो। दादा और लीजिए ना। दादा मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही पुष्मा, अभी जाके सोती हूँ। गुड नाइट। जा। चंपा, चंपा, सुनो, चंपा से कहो कि देव को नीचे भेजे। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। माली माली लिया वो महोदय आपके आपके बेटे ले बेटे ले। लाओ इधर दो मुझे, मैं पढ़ता हूँ। माननीय महोदय, देव के छुट्टी से पहले उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया था, वो प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है मगर देव ने उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द उसे जमा करवा दीजिए। अब रात भर बैठोगे तुम और ये प्रोजेक्ट तैयार करोगे, कल ही भिजवाऊंगा स्कूल। किसे? मुझे? तुम्हारे प्रोजेक्ट को। जा जाकर काम करो अपने प्रोजेक्ट पर। गिरीश कुछ भी नहीं बदला है, तू आज भी देव को बिल्कुल वैसे ही डांटता है जैसे बचपन में विक्रम को डांटता था। हाँ बस शक्ति थोड़ी कम थी उस समय। पिशमा विक्रम इतना शरारती नहीं था, आज मेरी शक्ति है जिसकी वजह से आज देखिए कितनी तरक्की कर रहा है विक्रम। पता नहीं मेरे बच्चे कब ऐसे होंगे। क्या करूं इस प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसकी हेल्प चाहिए? तो
पिछले रात को कौन जागा होगा? पूरे घर में यही जगी है, मगर इनसे हेल्प तो लेनी पड़ेगी, वरना सुबह तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। देव, अंदर आओ, क्या हुआ? मुझे अपना साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हेल्प चाहिए थी। क्या आप मुझे हेल्प करोगे? हाँ, करूंगी ना मदद। बताओ क्या करना है मुझे? एक मिनट। सॉरी। पर करना क्या है? आप पहले इसे काटो। इसे? सत्संग जा रही हो? शंभू, देव से कहो कि अपना प्रोजेक्ट लेकर आए, मैं भी देखूं क्या बनाया इसमें। दादा, आज वो मिस्टर सेन गुप्ता आने वाले हैं घर पे, मुझे लगा आप भूलना चाहें तो इसलिए। नहीं, मुझे याद है, मैं आ जाऊंगा तब तक। जी दादा। छोटा कर दिया, कहाँ रखना अभी? एक बेटा, यस, हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट। बच्चों को डराने के मतलब किसान लोग इसे खेत में बंदर, पक्षी, कौवे को डराने के लिए रखते हैं। इसे मैंने बनाया, ये बहुत काम की चीज है। ये आइडिया तुमने दिया इसे? नहीं। तुम मदद कर रही थी इसकी, इसे बनाने में? हाँ। नहीं, वो दीप ने जैसे कैसा बना है बुआ? एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसकी मूंछ थोड़ी दादा से लंबी नहीं हो गई है। आज कार पार्टी के लिए जाना है, अच्छा मौका है, अभी पूछ लेती हूँ। अजय काकू, इसे मेरे स्कूल में भेज दीजिए ना। हाँ देव, मैं याद से इसे स्कूल भेजवा दूंगा। किशिमा, वो आज मैं ना बाहर जाना चाहती थी। मेरी फ्रेंड है ना मधु, उसके घर सत्संग है। अच्छा,
तुम्हारे दोस्त को देख के तो नहीं लगता कि वो सत्संग करती होगी। खैर चली जाओ, लेकिन आशिमा को लेके जाना। लेकिन फिर पिशिमा, यहाँ बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इस बार मैं ही चली जाती हूँ। नहीं ठीक है, पर समय से आ जाना। जी पिशिमा। सब ठीक होगा। छोटी दही चीनी लाओ दीदी, खिला दो। वैसे ही जैसे मैं परीक्षा के लिए जाती थी और तुम मुझे दही चीनी खिलाती थी। आज अगर तेरे जीजा जी होते तो तुझे इस तरह काम के लिए कभी बाहर नहीं जाना पड़ता। ओ दीदी, क्या बात लेके बैठ गई? कौन सा मैं बाहर वालों के साथ काम करने जा रही हूँ? अपने गिरीश बाबू के मेल में ही तो जा रही हूँ। अब उसके लिए कुछ मत बोलो दीदी, बस अब अपना आशीर्वाद दे दो। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, सब अच्छा ही होगा। ला आप जल्दी से दही चीनी खिला दो, नहीं तो पहले दिन मुझे काम पे देर करा दोगी। खुश रहे। अरे भैया, हमरे यहाँ से बड़ी बड़ी शादियों में राशन थोक के भाव में जाता है। अपने जो गिरीश राय चौधरी जी हैं, उनकी शादी में हमरे यहाँ से राशन आ गया था। अरे बाके बाबू, बहुत बड़े लोग हैं वे, हमारा उनका क्या मुकाबला, हमारे लिए कुछ तो छूट दो। अरे भैया, गिरीश बाबू हमरे रिश्तेदार हैं, जब हम उनको एक पैसा नहीं कम किए तो दूसरे के लिए काय करेंगे? गिरीश बाबू रिश्तेदार हैं, तभी कल हमरी चंद्रा के बापू, हम तुम्हारे धंधे को कैसे डुबोते हैं देखो। सोनाली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वाओ काकी, मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसी फैंसी साड़ीज भी है। दिस इज सो नाइस। सोनाली तुम छोटी हो, अभी रहने दो इसे। बट काकी सीरियसली, आप ये सब पहन के सत्संग जा रही हो? इतना रिविलिंग? नो, मुझे नहीं लगता। आई थिंक आप किसी पार्टी में जा रही हो, है ना? मैंने मूवीज में देखा था, सब ऐसे ही बहाना बनाते हैं। सारा मूवीज मत देखो और जाओ ना। सब काकी प्लीज, मुझे भी ले चलो ना। आप जहाँ भी जा रही हो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। सोनाली मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ बच्चे नहीं चल सकते। पर मैं बच्ची थोड़ी हूँ, प्लीज ले चलो। यहाँ मैं किससे बात करूंगी, घर में सिर्फ ठाकुर माँ ही रहती है। बाप रे, अगर इसे घर पे छोड़ दिया तो ये पिशिमा को सब कुछ बता ही देगी, और लगता है इस मुसीबत को लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम चल सकती हो मेरे साथ, लेकिन किसी को बताना ही। नो वे। पक्का? प्रॉमिस। ए छोटू, तेरे फोनवा यहाँ ले आओ रे। ला रुको, हम भी मुर्बक के मुर्बक ही है, कान में लगाएंगे तो यहाँ का क्रीम ना बर्बाद हो जाएगा। ए सुन, ऐसा कर तू उसको उस पे लगा लाउड स्पीकर पर। हेलो हेलो बाकी बिहारी जी, हम चमेली बोल रही हैं। आप कौन बोल रही हैं बहन जी? क्या गाली देते हैं आप हमें? उस दिन जब अनाज पहुंचाने के बहाने घर आए थे तब तो बड़ा चमेली चंपा चंपाकली हैं, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बस ठीक नहीं, आप हमको सताइए नहीं। हाँ आज फिर चीनी की बोरी पहचाने के बहाने घर आ जाइए ना। वो नहीं है ना घर पे, आ जाओ। आपको तो हम जानते ही नहीं, आप क्या कह रही है? हेलो 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 हेलो, लाइन कट गई। इस उम्र में लाइन मारोगे तो लाइन कटेगी ही। चलो भाई, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना, क्या पता है कल सामान भेजने के बहाने हमारी बीवी को चंपाकली बना दे। चलो। अरे नहीं भाई सुनो, अरे सुनो, सुनिए जी, कौन है ये डायन चमेली, चांदाल चमेली? अरे
तुम ज्यादा बगलोल पना मत करो, अपना काम करो। हाँ, हाँ, हमको तो इसीलिए ब्याह के लाए हो ना कि हम तुम्हारी दुकान संभाले और तुम लोग घर संभाले। हाँ, और तुम्हारे दिल की रानी हूँ चंपा, हूँ चंपा कली, चंपा चमेली। हाय हाय हाय, अरे ये तो नहीं है हमारे पापा जी का, हमने दहेज का 5 तोला सोना, हमारे पापा जी का स्कूटर, अरे तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। अब संभालो बापू, ये तो तुम्हारे नहले पर हमरा डाला। मैं आप लोगों के पास ही आ रही थी। क्यों, ये आप सत्संग के लिए जा रहे हो ना, तो आप चढ़ावे में चढ़ा देना प्लीज मेरी तरफ से। मोदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन वहाँ पे ना बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, तो आपका ये चढ़ावा वहाँ नहीं चढ़ा सकती मैं। बट यू डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन कर दूंगी। ठीक है, चल। ये शॉल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या I'm perfectly all right. वो मैंने आपसे कहा था ना वहाँ बड़े लोग आने वाले हैं, तो ऐसे ही जाना है। एनीवे बॉडी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओके प्लीज बाय बाय। चल देखना, बहुत ही जल्द तुम दोनों वो सब हासिल कर लोगे, और तब तक तुम्हारे दादा को तुम्हारी डिग्रियों को देखकर खुश होना पड़ेगा। तुम्हारी डिग्री, विक्रम की डिग्री, तारा की डिग्री, और मेरी लाभोनी की। I am really impressed. बस ये सारी इसकी मार्केटिंग कैसे होगी आप लोग बता दीजिए। देखिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा रॉय चौधरी There will be no change at all, Mr. Sen Gupta. In fact, हमारी साड़ियों की जो थीम है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। Okay. और जैसा कि दादा हमेशा कहते हैं, हमारी बालीचुरी साड़ी हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल देखिए, ये सारी हाई क्वालिटी साड़ी हम सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट जैसा कि दादा हमेशा कहते हैं, ये हमारी विरासत है और हमें इसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। वैसे गिरीश बाबू, आई मस्ट से मिस्टर विक्रम वेल एजुकेटेड तो है, पर उनकी बिजनेस समझ भी काफी अच्छी है। मेरे साथ जो फॉरेन से क्लाइंट्स आए हुए हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं कि जिनकी बिजनेस सेंस तो अच्छी हो ही, साथ में उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अच्छा हो, ताकि वो फॉरेन की मार्केट को भी अच्छे से समझ पाए। तो फिर इस काम के लिए विक्रम बिल्कुल सही पसंद है, इसने भी अमरीका से MBA किया है। बस फिर आप बताइए डील कब साइन करें। परसों करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अब दादा, परसों तो विक्रम का जन्मदिन है। हाँ दादा, और परसों के लिए मेरे कुछ प्लान्स हैं। सोनाली साथ में गई है, ये बात छोटू बहू ने पहले नहीं बताई मुझे। तुम्हारा जन्मदिन है परसों, मैं जानता हूँ। मैंने इसीलिए इस डील को साइन करने के लिए वो दिन चुना है। पहली बार तुम्हें अपने बूते पर कोई डील मिली है, इसीलिए इस खुशी के मौके को मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। पिशिमा, तारा, विक्रम का कोई भी दोस्त छूटना नहीं चाहिए, सबको बुलाओ। दादा, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है विक्रम, पहली बार तुम्हें एक समझदार बिजनेसमैन की तरह किससे बात करते सुना, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी बात करता है, बोलता है, तो उसकी सोच और शब्दों का जो मेलजोल होता है वो कितना खूबसूरत होता है। खैर छोड़ो, तुम्हारे दादा में ये खूबी तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसी पढ़ाई करने का मौका कभी मिला ही नहीं। दादा, माना हमारे पास कॉलेज की डिग्री है, लेकिन आपके पास तजुर्बे की डिग्री है,
जो हमारी उन डिग्रियों से बहुत बड़ी है। मगर तुम्हारे दादा जो चाहते हैं देखना, बहुत ही जल्द तुम दोनों वो सब हासिल कर लोगे, और तब तक तुम्हारे दादा को तुम्हारी डिग्रियों को देखकर खुश होना पड़ेगा। तुम्हारी डिग्री, विक्रम की डिग्री, तारा की डिग्री, और मेरी लाबोनी की डिग्री। सोनाली